आज मेरे पास है ये लैपटॉप इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 और इधर आओ ये देखो जीरो लिखा है। यार कोई अपने ही लैपटॉप को जीरो कौन बोलता है? मजाक है क्या? तो चार वेरिएंट्स में आता है ये लैपटॉप। प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे पास तो टॉप वेरिएंट है 1 TB 32 GB स्टोरेज और इंटेल कोर i9 13900H प्रोसेसर के साथ। अब इस प्रोसेसर के साथ ना ये एक्चुअली सबसे सस्ता लैपटॉप है, लेकिन रियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है बताऊंगी डिटेल्ड में इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज दिस लैपटॉप इज़ डेफिनेटली वर्थ योर अटेंशन। तो फर्स्ट लुक में ही ना मुझे इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 काफ़ी अच्छा लगा। बढ़िया सा सिंपल सा नीट सा डिज़ाइन है, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी है और यहाँ पे जीरो की ब्रांडिंग है जो एक्चुअली लाइट अप होती है। जैसे ही ना लिड को ओपन करोगे तो लाइट होती है, काफ़ी कूल है ना। इससे पहले भी ना हमने एक इन्फिनिक्स का लैपटॉप रिव्यू किया था, बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, फुल मेटल बॉडी है इसकी। लेकिन लैपटॉप ना ये काफ़ी बड़ा है, भारी भी है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है, मुझे डेफिनेटली हैवी लगा। इनफैक्ट डे टू डे अगर आप इसको ऑफिस ले जाना चाहते हो या कॉलेज ले जाना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है इसका, एक फिंगर से इसकी लिड ओपन हो जाती है। बाकी राइट साइड में यहाँ पे पावर बटन है जो एक्चुअली फिंगरप्रिंट रीडर की तरह भी काम करता है और काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे। इनफैक्ट जब भी मैं लैपटॉप को ओपन कर रही थी ना, आई वॉज नॉट यूजिंग पासवर्ड, मैंने यही यूज़ किया, काफ़ी क्विक है और अच्छा है। इसके अलावा जो कीबोर्ड और ट्रैक पैड है ना वो भी मुझे दोनों ही स्मूथ लगे। कीबोर्ड लेकिन फुल साइज़ नहीं है, छोटा है, ट्रैक पैड बढ़िया है उसका, मुझे साइज़ डिसेंट लगा। और इसके ट्रैक पैड में ना कुछ जेस्चर्स भी हैं, जैसे फोर फिंगर से पिंच करोगे तो ब्राउज़र बंद हो जाएगा और फोर फिंगर से बाहर को ऐसे करोगे तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। इसके अलावा थ्री फिंगर से ना ट्रैक पैड पर से हवर करोगे तो ऐसे ये मल्टीटास्क करने के लिए आसानी हो जाती है, ये चूज़ कर सकते हो कौन सा ऐप या ब्राउज़र आपको ओपन करना है। बाकी पोर्ट्स के लिए ना भर भर के पोर्ट्स दे रखे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। राइट हैंड साइड में एसडी कार्ड स्लॉट है, 3.5 mm हेडफोन जैक है और USB 3। और लेफ्ट हैंड साइड में ना दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, एक थंडर बोल्ट भी है और यहाँ पे DC पोर्ट है उसके नीचे और HDMI पोर्ट भी है, लेकिन LAN कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पोर्ट्स वाइज भी ना इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसके अलावा डिस्प्ले ना इसका और भी बढ़िया लगा मुझे। तो जैसे मैंने पहले बताया इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और 400 निट्स ब्राइटनेस विच इज़ एक्चुअली अ सेविंग ग्रेस। काफ़ी बढ़िया विविड डिस्प्ले लगता है, कलर्स अच्छे आते हैं और डिस्प्ले इतना अच्छा है कि YouTube या मूवीज़ देखने में ना बढ़िया मज़े आते हैं। और 1080p है लेकिन फिर भी क्लैरिटी है डिस्प्ले में, डे टू डे टास्क के लिए अच्छा रहता है टाइपिंग करनी। इनफैक्ट मैंने स्क्रिप्ट भी ना इसी लैपटॉप में लिखी थी, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। PPTs बनानी है, वीडियो कॉल्स लेने हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। बस एक कमी लगी मुझे, क्योंकि ना इसका ना डिस्प्ले ग्लॉसी है तो थोड़ा रिफ्लेक्टिव पैनल है ये, कभी मुझे लगा कुछ कुछ एंगल से ना देखने में इश्यूज आते हैं, अदरवाइज डिसेंट है। और यहाँ पे चार स्पीकर्स भी दे रखे हैं, दो फ्रंट में और दो बैक में। मैं एक सॉन्ग प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसा साउंड आएगा। बिल्कुल भी लाउड नहीं है इसके स्पीकर्स। इनफैक्ट जब भी मैंने मूवीज़ देखी या यूट्यूब पे मैं कुछ भी देख रही हूँ तो मैंने मोस्टली अपने स्पीकर से इस लैपटॉप को कनेक्ट करके ही सुना, क्योंकि इसके स्पीकर्स ना इतने लाउड नहीं है, इतना बेस हैवी नहीं है और मज़े नहीं आते यार एकदम भी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाकी परफॉर्मेंस वाइज मुझे बढ़िया लगा। इसके स्पेसिफिकेशंस तो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ, इसमें इंटेल की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चिप है और डे टू डे टास्क के लिए डिसेंट है, बट हैवी और कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या आपको 4K वीडियो रन करना है या एडिट करना है या हैवी गेम्स खेलने हैं उसके लिए इतना कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट यही सेम चीज़ बेंचमार्क स्कोर्स में भी विजिबल है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर 1726 पॉइंट्स आया है और मल्टी कोर
6975 पॉइंट्स आया है। तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए ना ये इतना अच्छा नहीं है। मल्टीटास्किंग लेकिन इजीली हो जाती है, ईमेल्स के रिप्लाई करनी है, पीपीटीज बनानी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, उसके लिए लैपटॉप परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जब मैंने मल्टीपल टैब्स भी खोले ना तो भी मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ, कोई भी इशू नहीं हुआ, तो मल्टीटास्किंग भी अच्छे से हो जाती है। और उसमें इनफैक्ट मैंने 4K वीडियो भी रन किया, उस वो भी आराम से इसने रन किया। इसकी रीड राइट स्पीड भी काफ़ी तगड़ी है। क्रिस्टल डिस्मार्क स्कोर्स देखोगे काफ़ी सॉलिड आए हैं। 300 GB की जब मैंने फाइल ट्रांसफ़र भी करी ना तो आराम से 10-12 मिनट में ईजिली हो गई। तो डे टू डे ऑफिस का काम है या कॉलेज का काम है, इसके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट है। अब क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप नहीं है तो हैवी एडिटिंग के लिए नहीं बनाए, बट मैंने कैजुअल एडिटिंग करके देखी। मैंने विंची में ना 4K फुटेज डाली थी। अब क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिटर तो नहीं हूँ, तो जो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है उसके हिसाब से मैंने ना यहाँ पे लेयर्स ऐड करी, तो ऐसे कुछ लैग्स नहीं फील हुआ मुझे। गेमिंग के टाइम ना लेकिन मुझे थोड़े मिक्स्ड एक्सपीरियंस लगा। जैसे मैंने एस्फाल्ट 9 खेला, वो तो बढ़िया चला, लेकिन असैसिन्स क्रीड ओडिसी में हाई ग्राफिक्स में ना इतना स्ट्रगल कर रहा था, मैक्सिमम 15-16 फ्रेम रेट ही मिल रहा था। GPU लोड ऑलमोस्ट 100% था और लैपटॉप काफ़ी गर्म हो गया था, CPU टेम्परेचर ऑलमोस्ट 98 डिग्री हो गया था। वहीं मैंने जब लो ग्राफिक्स पे स्विच करके देखा, थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर और तब स्मूथ गेम प्ले मिला मुझे और करीब कुछ 35 का फ्रेम रेट भी मिला। रही टेम्परेचर की बात तो वो भी काफ़ी डाउन हो गया था 65 डिग्रीज तक। और इसमें ना डुअल फैंस भी दे रखे हैं, तो जैसे ही हीटअप भी होता ना तो क्विकली ये कूल डाउन भी हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर आप एकदम शांत रूम में बैठे हो तो आपको वो महसूस होगी, वो सुनाई पड़ेगी, बट अदरवाइज़ ठीक है। थोड़ा गेम का साउंड आता है तो इतना पता नहीं चलता है। अदरवाइज इसमें 3 मोड्स भी दे रखे हैं, इकोनमी, बैलेंस्ड और ओवर बूस्ट। ये यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, राइट हैंड साइड में ये स्विच दे रखा है। इकोनमी मोड में ना बैटरी इतनी ड्रेन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप ओवर बूस्ट मोड में जाओगे ना यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस लैपटॉप, बट वहीं बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी क्योंकि डिस्प्ले ना फुल ब्राइटनेस पे चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 में ना वेबकैम भी है और 2 माइक्स, मैं उसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी, डेली ऑफिस कॉल्स के लिए या स्टूडेंट्स को क्लासेस अटेंड करनी है उसके लिए बढ़िया है। इनफैक्ट ऑडियो भी काफ़ी क्लियर है, मतलब जितना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना वाटर कूलर का या लोगों का वो भी ठीक है, मतलब आराम से आपको थोड़ा नॉइस आइसोलेशन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे फेस ट्रैकिंग फीचर भी है, तो इसको इनेबल कर दोगे ना तो जब भी वीडियो कॉल में अगर मैं मूव करूँगी तो ये फेस ट्रैक करेगा और उसी हिसाब से वीडियो को शो करेगा। और लास्टली बैटरी के डिपार्टमेंट में ना इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 मुझे काफ़ी सॉलिड लगा। 70 वॉट का बैटरी है इसमें और इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया, कैजुअल गेमिंग करी, थोड़े वीडियो कॉल्स अटेंड करे, PPTs बनाई, तो उसमें ना कुछ 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे मिला, वरना मैक्स टू मैक्स भी आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, 10 घंटे का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रही चार्जिंग की बात, तो कुछ 1 घंटा 20 मिनट लेता है 0-70% चार्ज करने में, जो मुझे ठीक लगा क्योंकि बैटरी भी बढ़िया है। चार्जर भारी है लेकिन टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट है, ट्रैवल करते हुए ना कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है PD चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, तो वो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। सो ओवरऑल इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 कहीं से भी जीरो नहीं है। प्राइस के हिसाब से एकदम बढ़िया है, डिस्प्ले मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, विविड कलरफुल है, बिल्ट वाइज इट्स ऑल्सो डिसेंट, बैटरी सॉलिड और परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे ठीक लगा। बस आपको ये कमी लगेगी कि बल्की है, थोड़ा हैवी है, हैवी गेमर्स के लिए नहीं बना है और 4K वीडियो एडिटिंग के लिए भी नहीं बना है। कैजुअल टास्क्स करने हैं, ऑफिस का काम करना है, स्टूडेंट्स को कॉलेज के क्लासेस अटेंड करने हैं या PPTs बनानी है, असाइनमेंट्स करना है, उसके लिए ना ये लैपटॉप परफेक्ट है। तो मैं इन्फिनिक्स जीरो बुक 13 को रेट करूँगी 7.5 out of 10। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये लैपटॉप और क्या ये खरीदना चाहोगे इस बजट में। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में।